अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन टू मिनी ब्लॉग। आज मेरा इंटरव्यू होने वाला है यूनिवर्सिटी के लिए, मास्टर स्टडीज़ के लिए। तो अभी मैंने इंटरव्यू के लिए रेडी होना है क्योंकि अभी टाइम भी बहुत कम है। तो जल्दी जल्दी मैं रेडी होता हूँ और आपको भी आज दिखाता हूँ इंटरव्यू कैसे होता है। मैंने अब सिस्टम वगैरह सेट कर लिया हुआ है, बस ये माइक वगैरह और लैपटॉप वगैरह रख लिया है। अभी मुझे वेट करना है और मैं भी तैयार होकर आ गया हूँ कोट शॉट ला के। और अभी मुझे चेक करना है सबसे पहले तो, और उसके बाद क्योंकि रेडी हो जाना है, टाइम तकरीबन कोई 4 मिनट रह गए हैं। और अभी अभी मुझे जल्दी जल्दी इसको सेट करना है और माइक टेस्ट भी करना है, और उसके बाद फिर मैं बिल्कुल रेडी हो जाऊंगा इंटरव्यू के लिए। अब मैंने माइक टेस्ट करना शुरू कर दिया है, अब माइक और कैमरा बिल्कुल वर्किंग कर रहे हैं और रेडी हैं। बस मैं इंशाल्लाह रेडी हो रहा हूँ कॉल कनेक्ट करने के लिए। अभी बस ये कॉल हमारी कनेक्ट होने वाली है और ये कॉल हो चुकी है कनेक्ट। अब स्टार्ट में तो ऑब्वियसली बस इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट होता है, फिर प्रीवियस बैकग्राउंड और वो सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने सोचा है थोड़ा सा पार्ट जो है मैं इसमें वॉइस का भी आपको सुना दूंगा। अभी थोड़ी देर में आप लोग ये भी सुनेंगे, अभी थोड़ा क्वेश्चन बस बेसिक हो रहे हैं, तो अभी ये थोड़ा सा आप लोग भी अब सुन लें। Biotechnology is a rapidly growing field and it has a wide range of application considering the production of different products as well, and it is very interdisciplinary. As my previous degree is very interdisciplinary as well, like has a very positive impact on the society because the many of the products and process developed through biotechnology have a potential improvement in human health and well-being as well, so that I have to excel in my skills in my master degree and after that I will pursue my PhD as well here. Ye interview to kafi der chalta raha hai kyunki kafi lengthy interview tha, takriban 20-25 मिनट का था। तो मैंने कुछ कुछ फिर क्लिप्स इससे लिए हैं और मैंने सोचा है कि आप लोगों को ये भी सुना दूं कि मैं बोल क्या रहा था एक्चुअली, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैं इंटरव्यू दे रहा था तो मैं उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बोल रहा था। अब इंटरव्यू काफ़ी चलता रहा है लेकिन अब बस ख़त्म ही होने वाला है, अब मैं दिखाता हूँ आप। At the moment, I don't have any question, but after my results, hopefully, I will be able to contact with you. Have a nice day. Thank you. Bye bye. Bye. सो गाइस, इंटरव्यू हो गया है और इंशाल्लाह रिजल्ट इसका तकरीबन 2 हफ्तों में आ जाएगा, तो होपफुली अच्छा ही आएगा क्योंकि लग ऐसे रहा था कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सो 2 हफ्तों के बाद ही देखते हैं फिर। दैट्स इट फ्रॉम द व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।